जिसकी वजह से वह सब उठकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन्हें एक डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, तभी डेल वहां आकर उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो जैक को भी वहां से छुड़ा देता है। तभी पा और माँ को उनके बच्चों के चीतड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं। तब पा डेल के ऊपर तीरों से कई बार वार करता है, लेकिन डेल एक स्ट्रांग इंसान था, इसलिए वो भी उन्हें कड़ी टक्कर देता है। तभी माँ उसकी तरफ एक नुकीला हथियार फेंकती है, जो सीधा जाके डेल की गर्दन में अटक जाता है, जिससे डेल का काफी खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर नीना उस मिल से बाहर आ जाती है और जैक ग्राइंडर वाली रूम में पहुंच जाता है। तभी पा और माँ वहां आकर उसे उस ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करते हैं। तब नीना को जैक की चीखें सुनाई देती है और इस बार वो खुदगर्जी छोड़कर उसे बचाने वापस अंदर जाती है। तब वो पा के ऊपर चपटती है और उसकी गर्दन को काटकर उसका मांस निकाल देती है और जैक उसे मारते हुए उसी ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। तभी माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकालती है और तभी नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक बड़ी लकड़ी का लॉग उनसे टकरा जाता है और वो दोनों एक साथ ग्राइंडर में अटक जाते हैं, जिससे उन दोनों का भी कीमा बन जाता है।